क्रिप्टो एसेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसी। तो क्या है ये क्रिप्टो करेंसी, क्यों है मार्केट में इसके बारे में इतना बज, क्यों सब लोग चाहे वो बच्चे से लेकर बूढ़े हों या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तक इसकी बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही की न्यूज़ में फिनांस मिनिस्टर लोगों के बीच में आरबीआई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्रिप्टो से लेकर, और ये जो क्रिप्टो वर्ड है ये बज कर रहा है मार्केट में। लेकिन इससे भी ज़्यादा वर्ड जो आजकल बज में है, ट्रेंड में है, वो है क्रिप्टो स्कैम्स। तो ये क्या है क्रिप्टो स्कैम्स और क्यों क्रिप्टो स्कैम्स हाल ही के दिनों में हमारे सामने आ रहे हैं, आज हम इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। हेलो, आई एम एडवोकेट शुभम चोपड़ा फ्रॉम रेड लॉ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड स्कैम्स क्या होते हैं, और ये अगर आपके साथ भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई स्कैम हो जाता है तो आपके पास क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है, आप किन साधनों का यूज़ कर सकते हैं और अपने पैसे को वापस से अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, तो जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, This is fiat money. ये मनी जो इंडिया की सर्कुलेशन में है, जिसको हम रोज यूज़ करते हैं। इस नोट की कीमत, शायद ये नोट 2 या 3 रुपए में बना हो, लेकिन अभी इसकी कीमत मार्केट में 100 रुपीज़ है, और मैं 100 रुपए की कोई भी चीज़ इस नोट से खरीद सकता हूँ। इसी का एक डिजिटल इक्विवेलेंट है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल करेंसी या डिजिटल एसेट्स। ये हमारे पास होती हैं और हम सब इसको यूज़ करते हैं। हम सब पेटीएम, भारत पे, गूगल पे जैसी बहुत सारी ऐप्स यूज़ करते हैं और एक दूसरे को डेली की ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने गूगल पे से किसी और को गूगल पे में 100 रुपीज़ सेंड किए तो उसके पास 100 रुपीज़ जाएंगे, लेकिन ये नोट नहीं जाएगा, उसके पास डिजिटल करेंसी जाएगी 100 रुपीज़ की। अब वो डिजिटल करेंसी किसने इशू किया है, वो आरबीआई ने इशू की है, ये नोट भी आरबीआई ने इशू किया है, तो इसकी कीमत सेम है। मतलब अगर मार्केट में मैं इस 100 रुपये के नोट से या उस गूगल पे की 100 रुपीज़ की डिजिटल करेंसी से कुछ लेता हूँ, उनकी कीमत बिल्कुल सेम है, कुछ मुझे ज़्यादा या कम मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसके अलावा वो डिजिटल करेंसी इशू की है आरबीआई ने, सेंट्रल एजेंसी ने, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी डिजिटल करेंसीज इशू होती हैं प्राइवेटली, जैसे कि बिटकॉइन। बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन इसे सेंट्रल अथॉरिटी ने इशू नहीं किया है, इसका एक कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी होती हैं ऐसे डिजिटल करेंसी जिनके ऊपर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, उनका कोई भी सेंट्रल सिस्टम नहीं होता, वो ब्लॉकचेन की मदद से सर्कुलेट होती हैं और ब्लॉकचेन की मदद से उसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये होती है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारे स्कैम्स मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रातों रात अमीर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। क्रिप्टो की वैल्यू डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई के रूल पे। जितनी ज़्यादा किसी क्रिप्टो की डिमांड होती है, उतना ज़्यादा उस क्रिप्टो का प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी कीमत $1 भी नहीं थी, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं थी। लेकिन बिटकॉइन अब उसकी मार्केट में डिमांड है। वो डिमांड क्यों है, क्योंकि बहुत सारे हैकर्स जो हैं वो पेमेंट बिटकॉइन के ज़रिए लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन से होने वाली पेमेंट्स को इंक्वायर करना या उसका पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये पेमेंट बहुत ज़्यादा अनोनिमस होती हैं। इसीलिए बिटकॉइन की डिमांड बढ़ने से बिटकॉइन का प्राइस भी ज़्यादा हुआ है। इसीलिए बहुत सब लोग इंटरेस्टेड हैं इन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जो सबसे पहला स्कैम हमारे साथ निकल के आता है वो है पोंजी स्कीम्स। पोंजी स्कीम्स में क्या होता है, कोई भी एक ऐप आएगी, वो ऐप आपको उसमें फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए बोलेगी, वो ऐप 1000 की एक क्रिप्टो एसेट आपको दे देगी, और फिर आपको बोला जाएगा कि आप 2 लोगों को अपने साथ जोड़िए, जितने लोग आप अपने साथ जोड़ेंगे आपके पास उतना ही प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 लोगों को अपने साथ जोड़ता हूँ तो शायद मेरे अकाउंट में 100 रुपये आए, और अगर वो 2 लोग आगे किन्हीं 2 लोगों को जोड़ते हैं तो उसका भी एक शेयर मेरे पास आएगा। तो इससे एक पिरामिड चलता रहता है और शुरू के इन्वेस्टर्स को इसमें
फायदा होता है, लेकिन जो लास्ट के इन्वेस्टर्स बचते हैं वो और लोगों को इन इन्वेस्टमेंट में जोड़ नहीं पाते और लास्ट के इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया है वो डूब जाता है। तो ये होती हैं पॉन्जी स्कीम्स। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट तरीका है जिससे क्रिप्टो एसेट्स का स्कैम होता है वो है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग में आपके पास एक मैसेज आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिटकॉइन में पैसा लगाया है और मेरे पास कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपके बिटकॉइन को बेच दिया गया है और आपके बिटकॉइन से 60,000 रुपये किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं और नीचे एक लिंक दिया होगा। जैसे ही मैं उस लिंक को क्लिक करूँगा वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मैं उस पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करूँगा और एक्चुअल में अब मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मेरे साथ स्कैम हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड अ फिशिंग फ्रॉड। इसके अलावा तीसरे टाइप का जो स्कैम हमारे पास आता है वो है कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर मेरे पास आता है, वो बोलता है मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे बहुत प्रॉफिट होता है, अगर आप मेरे ज़रिए इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपसे थोड़ी सी कमीशन लेके आपको भी रातों रात करोड़पति बना दूंगा। ऐसा ही हुआ एक इंडियन बिजनेसमैन के साथ जिसने अपना एक बिटकॉइन इन्वेस्ट करने के लिए दिया। शुरू में उसे प्रॉफिट दिखाया गया और उसका बिटकॉइन 1.30 हो गया और जब उसे लगा कि इस स्कीम में फ़ायदा है उसने 2 बिटकॉइंस इस बार इन्वेस्ट किए और वो कंपनी उसके पैसे लेकर भाग गई। आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है 2 बिटकॉइंस की कीमत आज के टाइम में 60,00,000 रुपए है। तो ऐसे स्कैम्स भी आपके साथ हो सकते हैं। तो ये कुछ मेजर टाइप के स्कैम्स हैं जो इंडिया में होते हैं। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट से भी और आपके वॉलेट से भी जिसमें आपकी क्रिप्टो सेव्ड है वो भी हैक किया जा सकता है। और ये समझने की बात है बिटकॉइन अगर एक बार किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए या क्रिप्टो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए तो वो उसकी डिटेल लेना या उसको रिवर्स कराना ट्रांजेक्शन को इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इस केस में आपके पास क्या लीगल रेमेडीज़ बचती हैं? इन लीगल रेमेडीज़ के बारे में आपको मिस्टर प्रशांत कन्हा बताएंगे। थैंक यू शुभम। तो अगर आपके साथ क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट को लेकर के फ्रॉड हो गया है तो आप बेसहारा नहीं हैं। कानून है जो आपकी प्रोटेक्शन करेगा, आपकी मदद करेगा और आपके डूबे हुए पैसों को वापस भी दिलवाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको जो है एक्सचेंज के थ्रू कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सबसे पहले स्टेप लेना है कि आप एक्सचेंज को ईमेल लिखें और अगर उसका कॉल सेंटर है तो उस पर कॉल करें। अगर उसका कोई हेल्पलाइन नंबर या हेल्पलाइन ईमेल नहीं मिलता तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये डिफ्रॉड करने वाला ही प्लेटफॉर्म था। तो आपको फिर उसके बाद सीधा आप अपने एरिया के साइबर पुलिस स्टेशन जाइए। अगर साइबर पुलिस स्टेशन नहीं है तो SP ऑफिस में जाके पता करिए कि साइबर रिलेटेड फ्रॉड्स को लेकर के शिकायत कहाँ दर्ज करनी है। ये हो गया पहला कि अगर आपको डायरेक्टली ऐप के थ्रू फ्रॉड किया गया। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई जानने वाला, कोई एक्वेंटेंस ही आपको बताता है कि आप उसको पैसे दे दो तो वो इन्वेस्ट कर देगा और कुछ दिनों बाद वो आपको बता रहा है कि यार सारे पैसे डूब गए। तो अगर ऐसा है तो आप इसके लिए डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी शिकायत को लिख करके देंगे जिसमें कि आप पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे कैसे कैसे आपने उसको पैसा दिया, क्या प्रॉमिस किया गया था वगैरह वगैरह। तो अगर पुलिस वहाँ पर FIR दर्ज करने से मना करती है तो आपके पास जो तीसरा सॉल्यूशन है वो ये है कि आप सीधा मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा कर के खुद से या किसी एडवोकेट की मदद से 156 सब सेक्शन 3 के अंदर जो कि CRPC का है उसके अंदर जा कर के आप सीधा मजिस्ट्रेट के यहाँ पर भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि पुलिस को डायरेक्ट किया जाए इस मैटर में FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करने का। एक बार FIR दर्ज होगी तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में आप कि जो ये पूरा फ्रॉड का ट्रेल था दिस कैन बी रिवील्ड और आपके पैसे भी मिलने की संभावना होगी और साथ साथ जिसने आपके साथ फ्रॉड किया वो लोग भी कानून के अंतर्गत सलाखों के पीछे शायद दिखाई दें। सो दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशंस या फिर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशंस अगेंस्ट द फ्रॉड्स दैट आर कमिटेड इन क्रिप्टो एसेट्स और द क्रिप्टो करेंसीज़।